हमने अब कनेक्शंस को फॉलो करना है बस जल्दी जल्दी। बड़ी थकावट के बाद पहुंचे हैं और अभी यहाँ से ना आप कनेक्शन फ्लाइट्स को अपना फ्लाइट कनेक्शंस को आप फॉलो करते जाओ। जो लोग कह रहे थे कि ट्रांजिट वीज़ा वगैरह चाहिए, एयरपोर्ट पे किसी ने कोई ट्रांजिट वीज़ा वगैरह नहीं पूछा, बड़ी स्मूथ इमिग्रेशन थी। अभी हैथरो पे पहुंच गए हैं। अच्छा, ये ना फ्लाइट कनेक्शंस को आपने फॉलो करना है, वहाँ पे आप फॉलो करते जाओगे तो आप सीधा वहाँ पे जाओगे जी। और जो किसी ने ट्रांजिट वीज़ा का पूछा था, या ट्रांजिट वीज़ा किसी ने नहीं पूछा, मैंने पहले भी बताया था ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए अगर आप US, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया आगे ट्रैवल कर रहे हो, तो वो चीज़ भी आपका डाउट क्लियर हो गया। और हमारी तो इमिग्रेशन भी बड़ी स्मूथ हुई थी, कोई किसी किस्म के कैश नहीं पूछा गया, होटल बुकिंग नहीं हमसे पूछी गई। बाकी अपडेट मैं आगे देता हूँ साथ साथ। टर्मिनल 4 पे आप लैंड करोगे और उसके बाद टर्मिनल 3 पे आपको जाना पड़ेगा। हमने अभी पता किया टर्मिनल 3 के लिए कह रहा कि बस आपको लेनी पड़ेगी, तो अभी देखता हूँ बस लेंगे उसके बाद जो है आगे चलते हैं। बस के बाद आपको टर्मिनल 3 पे उतरना है। टर्मिनल 3 पे उतर के आपको सिक्योरिटी पे एक दफ़ा जाना पड़ेगा। उसने ये अनाउंस किया था बस में कि सिक्योरिटी में एक दफ़ा जाना पड़ेगा, उसके बाद आप डिपार्चर गेट पे जाओगे। ये बस फ्लाइट कनेक्शंस को फॉलो करते जाना है और सीधा सीधा चलते जाना है, कोई टेंशन नहीं है किसी किस्म की। क्योंकि बस में तकरीबन हमें लगे 10 मिनट लगे, बस में 10 मिनट तकरीबन लगे थे बस में हमें। और उसके बाद हम लोग अभी ये टर्मिनल 3 की फ़्लाइट कनेक्शन पे आ गए, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया था। तो अभी आगे एक दफ़ा सिक्योरिटी में जाना है, सिक्योरिटी के बाद आप डिपार्चर में जाओगे। अभी जो है वो सिक्योरिटी चेक इन हो गया, तो खैर रोका तो नहीं, मेरे पास परफ्यूम था एक, उसके लिए उसने चेक इन किया, चेक किया उसको अच्छे से। अगर आपका लिक्विड वगैरह है तो उस पर थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा आपको। ऐसा इशू कोई नहीं है, लेकिन वो सिर्फ चेक करते हैं आपका लिक्विड वगैरह कोई है। बाकी हमारे पास तो अभी काफ़ी टाइम है, तकरीबन 6 घंटे के बाद हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है और अभी हम लोग डिपार्चर में जाके वेट करेंगे। वैसे हम अपने गेट की तरफ बस जा रहे हैं, अभी नेक्स्ट फ्लाइट जो है ना न्यूयॉर्क के लिए, उसमें वो प्लेन खड़ा है वर्जिन एटलांटिक का। अभी गेट अनाउंस किया उन्होंने, तो बस 20 मिनट शायद लगेंगे वॉकिंग डिस्टेंस पे। 21
अभी जो इमिग्रेशन हो गई है थोड़ी देर के लिए रोका था हमें, दोबारा फिर जब लोग गेट पे गए, गेट पे वहाँ पर उन्होंने कुछ दोबारा से हमारे बैग चेक किए, बस आई थिंक सो सर नॉर्मल रूटीन वर्क था उनका, वो उसने चेक किया और उसके बाद उसने जाने दिया। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं न्यूयॉर्क के फ्लाइट, मतलब जहाज़ में बैठ गए हैं आपके सामने, तो अब आई थिंक सो 7 घंटे की हमारी फ़्लाइट है, फिर हम लोग न्यूयॉर्क पहुँचेंगे और उसके बाद जो है वहाँ से होटल जाना है और उसके बाद एक रात रह के नाइग्रा फॉल जाना है। मैं साथ साथ आते आपको बताता जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे 2 लाउंज मुझे फ्री मिले थे, जिनके पास लाउंज की एक्सेस है उनके लिए बता रहा हूँ, मास्टर की वालों के लिए भी है। काफ़ी ज़्यादा लाउंज हैं, एयरलाइन के अपने भी लाउंज हैं, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा वो एस्पायर लाउंज है, वहाँ पे आप चले जाओ। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि वो उनकी ये भी मसला नहीं है कि आप 3 घंटे पहले आपको पहुँचना है, आप जो है कभी भी, मतलब मेरे पास 4-4.5 घंटे पहले मैं चला गया था और मैंने मतलब मैंने उसे रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्ट करके मैंने उसे पूछा कि 3 घंटे वाला रूल तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैं 1 लाउंज में गया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास जो है ना एटलीस्ट डिपार्चर से 3 घंटे पहले आपको आना है। उसके बाद मैं एस्पायर लाउंज में गया तो उन्होंने मुझे सेस दे दी, मैं तकरीबन काफ़ी देर उधर रहा, खाना बस नॉर्मल था, पहले ब्रेकफास्ट था, बाद में लंच लगाया उन्होंने। जैसे कि हम लोग एशियन हैं तो हमारे लिए बस कुछ खास नहीं था, लेकिन एटलीस्ट अच्छा था, बाकी ड्रिंक्स वगैरह थी, पानी की बोतल्स नहीं मुझे मिली नॉर्मली, वरना पानी की बोतल मैं अपने साथ रख भी लेता हूँ बैग में, लेकिन वो मुझे मिली नहीं तो वो नहीं मैं रख पाया पानी को, मैंने वैसे कूलर वगैरह लगाया था जो, तो ठीक था, अच्छा था सिस्टम। बाकी जो हमें गेट से टाइम लगा है ना, जो मतलब वेटिंग एरिया था, लाउंज से बात कर रहा हूँ, हमें अपने 21 गेट पे हमें पहुँचना था, तो हमें अराउंड 15 मिनट्स लगे होंगे थोड़ा तेज़ चल के। तो वही बात है कि अगर तो आपका वो टाइम थोड़ा कम है, कि अगर आप 90 मिनट्स वाले तो आपको भाग दौड़ ही करनी पड़ेगी। हमारा तो तकरीबन 6.5 घंटे का स्टे था, तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया, थोड़ा बोरिंग भी था लेकिन गुजर गया टाइम। भाई आखिर यूके से जो लंदन से फ्लाइट ली थी वो भी अभी यूएस लैंड कर ली है, नींद से आधा दिमाग जो है ना वो बंद हो रहा है। माशाल्लाह यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब आगे चलते हैं देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। यूके में सिक्योरिटी में थोड़ा तंग किस तरह किया कि चीज़ें वगैरह चेक की उन्होंने, आई थिंक सो नॉर्मल रूटीन था, लेकिन कभी पहले किसी कंट्री में इस तरह परफ्यूम्स वगैरह पर नहीं किसी ने ऑब्जेक्शन लगाई, लेकिन उन्होंने परफ्यूम पर थोड़ा कहा था लेकिन बाद में छोड़ दिया। तो अभी इधर यूएस आ गए हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। आफ्टर इमिग्रेशन क्लियरेंस के मैं आपको बताता हूँ कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है। बाकी यार डेल्टा की बात कर, अब अपना जिस वर्जन की बात करूँ तो इतिहाद से तो थोड़ा बेटर नहीं था, इतिहाद ज़्यादा बेटर था, थोड़ी सीट्स पे कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन ठीक था, चले खुद हो गया। Oh.
रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है, अभी हम लोग ट्रेन लेके जा रहे हैं अपने होटल में। जो हमें ऑप्शन मिली थी, पहले हम लोग ऊबर करवाने लगे थे, ऊबर तकरीबन $25 की आ रही थी, तो हमारे होटल वालों ने बताया था कि आप ट्रेन लेकर फेडरल स्टेशन आओगे, वहाँ से आपको फ्री शटल सर्विस मिलेगी। तो अभी हमने ये ट्रेन पकड़ी है, ये आपको सेकेंड लेवल पर मिलेगी ट्रेन, बाकी टर्मिनल्स को भी मिलती है, सिटी भी मिल जाती है, तो आप ये ले सकते हैं। ठीक है,